हाथरस के हाथरस जंक्शन से रेलवे स्टेशन से आज हर अनिश्चित मेल एक्सप्रेस रेल के नाम से हुई रवाना। वहीं यात्रियों ने टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा की व हाथरस जंक्शन से 95 यात्रियों ने टिकट काउंटर से टिकट करवाई और ट्रेन में बैठकर अपने गंतव्य स्थानों के आप जो है आज एक साल बाद चल रही है हाथरस 11 महीने बाद। हाँ 11 महीने बाद, तो आपको कैसा लग रहा है और कितनी समस्याओं का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ तक आने में और कैसे कैसे हो रहा है यहाँ? तो जब आज जो है हमें कोई समस्या नहीं मालूम पड़ रही है। रेल में जितनी सुविधा है उतना बस में नहीं। बस में तो जगह मिली तब भी ठीक है, नहीं खड़े होके जाओ कोई दिक्कत नहीं, अब भीड़ नहीं है कोई नहीं है, यहाँ से बैठो सीधे अपने गंतव्य। तो जैसे कि रेलवे की तरफ से जो टिकट कटाने का 200 रुपये 200 यात्रियों की वो है रखी गई है जी। तो अभी तो जैसे आज कुछ लोगों को पता नहीं है तो इस चक्कर में जो टिकटें भी कम कटी हैं, तो जैसे आज टिकट ट्रेन भी खाली है थोड़ा जी। तो अब जैसे हाथरस किला से चलती थी ट्रेन, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे आना हुआ यहाँ तक? नहीं आ जाएंगे हाथरस किला से, दिक्कत तो है ही है, किला से चलनी चाहिए। जैसे समस्या वहाँ के व्यापारी लोग जो है सबसे अधिक आते हैं इसमें, रोज माल आना रोज जाना वैसे भी व्यापारियों लोगों को काफी व्यापारियों को बहुत असुविधा होगी। मतलब सिटी के और उसके क्षेत्रीय जो जनता है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और भी के जो अधिकारी हैं या मेरा नाम जितेंद्र सर। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? मैं हीरा के नगर से आया हूँ सर। अच्छा, क्या टिकट कैसे कटाई, क्या कराया? टिकट सर बुकिंग से लिए मैंने, एक साल बाद ट्रेन चालू जी, जी जी। अब कहाँ जा रहे हो? मैं सर अलीगढ़ जा रहा हूँ। क्या काम करते हैं? मैं डेली बेस पे हार्डवेयर का साइकिल लॉक में ताले में फैक्ट्री में काम करता हूँ। एक साल बाद चलिए, तो आपको क्या परेशानी क्या लाभ? परेशानी तो सर बहुत ही हुई, बसों से और उसों से जाना पड़ा, बड़ा परेशानी हुई, दिक्कतें बहुत सामना करना पड़ा। एमएसटी वगैरह बन रही है क्या? नहीं सर एमएसटी नहीं बनी, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारी ऊपर तक वो पहुँचाइए कि हम डेली पैसेंजर हैं भाई, हमको तो एमएसटी अलाउ करनी चाहिए। जैसे कि मेरी पहली एमएसटी थी, दो दिन चला मेरी वो गाड़ी लॉकडाउन में वो हो गई, बंद हो गई, तो मेरी वो एमएसटी एक महीने की पूरी व्यर्थ गई। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।